वेलकम बैक अगेन गाइस। कैसे हो यार आप सभी लोग, होप करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे। मैं सुमित लेके आ गया हूँ फिर से एक नए मॉड पर वीडियो। तो गाइस आज की इस मॉड पे हम करने वाले हैं राजस्थान ट्रांसपोर्ट की बस के मॉड का रिव्यू। तो उन्होंने हमें ये बस दी है, बोला है कि इसका रिव्यू कर दो, ये जोक था। तो गाइस आज हम करने वाले इसका रिव्यू। तो गाइस आप इसका फ्रंट से लुक देख सकते हो, ये अशोक लेलैंड की BS6 वाली बस है। तो नई है जो अभी आ रही है, तो वैसी बस है जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया है। एंड मॉड की बात करें तो गाइस मॉड बहुत ही बढ़िया है दिखने में। तो गाइस आपने फ्रंट का लुक देखा होगा, साइड लुक की बात करें तो साइड लुक आप देख सकते हो बहुत ही लंबी है, चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। तो मैं अभी कितनी लंबी है तो वो भी दिखाऊंगा कि ये बहुत ज़्यादा लंबी है। तो गाइस सामने आप देख सकते हो राजस्थान परिवहन निगम लिखा दिख जाएगा, और साइड में ग्रामीण बैंक का आपको राजस्थान के एक बहुत बड़ा बैनर मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड कलर काफ़ी अच्छा है इसका। एंड गाइस आप इसके टायर वगैरह देख सकते हो जो कि दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। रियर की बात करें तो रियर से आप देख सकते हो सामने आपको शीशे की प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे से जाली मिल जाएगी, और लैडर मिल जाएगी सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए सामान रखने के लिए। और पीछे लाइट वगैरह की बात करें तो वो भी प्रॉपरली तरीके से वर्क करती है, तो उस पर भी अभी आएंगे। सो गाइस आप पैसेंजर साइड से इसका लुक देख सकते हो, इधर से भी दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगती है, काफ़ी बढ़िया। तो गाइस मैं आ चुका हूँ बस के अंदर, और आप ऊपर देख सकते हो आपको सामान रखने के लिए कैरियर मिल जाएगा जो कि काफ़ी लुक उसका बढ़ा रहा है बस का। एंड सामने आप इसके शीशे देख सकते हो, सिंगल वाइपर आपको इसमें मिल जाता है। सो गाइस मॉड के साथ क्या फीचर मिल जाते हैं, तो जैसे वन दबाओगे तो आपको खुल जाएगा रेडिएटर का ग्रिल, और सामने आपको अशोक लेलैंड लिखा हुआ दिख जाएगा। एंड जब आप वन दबाओगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो पैसेंजर्स के लिए खिड़की होती है उसके भी शीशे खुल जाएंगे, तो आप देख सकते हो, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस पूरा ड्राइवर से लेके पीछे एंड तक के सारे शीशे खुल जाते हैं, तो जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड जो सेकंड फीचर है, सेकंड वाले से आपका ड्राइवर साइड का डोर और पीछे इमरजेंसी डोर खुल जाएगा, तो आप देख सकते हो मतलब ये जाली खुल जाएगी पीछे से, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड इसके में आपको यही वाला फीचर मिलता है। और थर्ड में क्या होता है कि जो आपकी वो दिखाता है कि डायरेक्शन बस कहाँ से कहाँ जा रही है, वो टर्न हो जाएगी, और इसमें लिखा हुआ है राजस्थानी बस आईडी। सो गाइस इस मॉड को बनाया है राजस्थानी बस आईडी ने, तो उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैंने उनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर जाके देख लेना। सो गाइस अगर इंटीरियर की बात करें तो कैबिन व्यू वगैरह अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उससे पहले पैसेंजर व्यू देख सकते हो आप, काफ़ी लंबी लग रही है यहाँ से देखने में, तो आप देख सकते हो कितनी लंबी लग रही है। तो मैं इसी की बात कर रहा था, ये बहुत ही लंबी है और चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है इसे। तो आपने इसका देखा होगा, आपको 3x2 की इसमें सीटिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया है। और नई बस है तो इसमें अभी नई सीट लगी नहीं है, तो आपको जैसी कंपनी वाले देते तो वैसी सीट आपको लगी हुई दिख जाएगी, तो ऐसी सीट आपको मिलने वाली है। तो सामने आप देख सकते हो इसमें सिंगल वाइपर है जो कि प्रॉपरली तरीके से वर्क करता है, पर वो शीशा साफ़ नहीं करता है, तो इसमें यही चीज़ की एक दिक्कत है। तो इंटीरियर देख सकते हो आप, इसका नॉर्मल सिंपल इंटीरियर मिल जाएगा। सामने अशोक लेलैंड का आपको लोगो दिख रहा होगा स्टीयरिंग पे। सो गाइस अगर स्पीडोमीटर की बात करें तो इसका स्पीडोमीटर वर्क नहीं करता है, बट जो इसके इंजन साउंड है बहुत ही बढ़िया है, जो इंडियन बसों का इंजन साउंड होता है, तो डिटो आपको वैसे ही इंजन साउंड इसमें मिलेगा। तो जब ये बस आइडल पर खड़ी रहेगी तो काफ़ी बढ़िया साउंड करती है, जब आप इस पर एक्सेलरेट करोगे तो वो भी बहुत बढ़िया साउंड आता है। तो जब आप इसे डाउनलोड करके खेलोगे तो तब आपको मज़ा आ जाएगा इसे खेलने में। तो गाइस जब हम कर रहे हैं इसको ड्राइव, एंड चलने में कैसी है, ब्रेकिंग, इसकी टॉप स्पीड क्या है, और कंट्रोलिंग वगैरह हर चीज़ का टेस्ट करेंगे। सो गाइस वीडियो में बने रहना, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है या फिर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन यहाँ से प्रेस कर देना ताकि आप कोई सा भी मॉड मिस ना करो। तो गाइस आप लुक देख सकते हो, लुक बहुत ही बढ़िया आ रहा है, एंड चलने में काफ़ी बढ़िया है। मैंने काफ़ी चला ली है, ये तो कट हो गई वीडियो, तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है। और ब्रेकिंग की बात करूँ तो गाइस इसकी ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया, एकदम खड़ी हो जाती है, मतलब अगर आपने ज़ोर से ब्रेक मार दिया तो एकदम रुक जाएगी, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। और अगर इसकी इंजन साउंड की बात करें तो आहा मज़ा आ जाता है गाइस इसका इंजन साउंड सुन के, इसका इंजन साउंड बहुत ही बढ़िया है। तो जब आप इसे हाईवे पर भगाओगे तो बहुत ही प्यारी इंजन साउंड की आवाज़ आती है, तो वो भी अभी आप देखोगे इसकी हाईवे का टेस्ट, तो वहाँ पर भी मैंने पूरा टॉप स्पीड का टेस्ट करा है, तो वीडियो में बने रहना। सो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं ऑफ रोडिंग ट्रैक में, तो अब हम करेंगे इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट और ये कैसे परफॉर्म करती है ऑफ रोडिंग में। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने ऑफ रोडिंग ट्रैक में, फेवरेट वाले में जो सबसे लंबा है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे इसका पूरा टेस्ट और ये चलने में कैसी परफॉर्म करेगी। तो आप लुक ही देख सकते हो, देखते ही साथ इसका पता लग रहा है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है, सच में काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है, एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है इसे देखने में और चलाने में भी। सो गाइस काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है, और थोड़ा सा प्लेन की साइड और जैसे राजस्थान की साइड थोड़ा सा लुक होता है,
रहा है, थोड़ा सा वैसा लुक आ रहा है जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस ना करो। और लुक देख सकते हो क्या ज़बरदस्त तरीके से टायर ऊपर नीचे हो रहा है और बिना बॉडी के, मतलब बॉडी में कोई असर नहीं हो रहा है, सिर्फ टायर और शॉकर ही सारा वो झेल ले रहे हैं, मतलब पूरा शॉक अब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। मतलब एंड गाइस अगर मैं इसकी पिकअप की बात करूँ तो यार इसका पिकअप लाजवाब है, और मतलब एकदम से पिकअप पकड़ लेती है और काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग भी है जो कि इसे बहुत ही बढ़िया बेस्ट और काफ़ी अच्छा मॉड बनाता है। तो मॉड का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम हाईवे पर, तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया माहौल बन चुका है। बारिश पड़ने के बाद काफ़ी रियलिस्टिक सा हो जाता है बस आइडिया, अगर आपने कभी खेला होगा फुल ग्राफिक्स में तो आपको भी काफ़ी मज़ा आता होगा, मुझे पता है मेरे को भी काफ़ी मज़ा आता है तो आपको भी आता ही होगा। तो मतलब बारिश के बाद काफ़ी एक अलग ही सा लुक हो जाता है पूरे बारिश बस आईडी का, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आपको भी लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो गाइज़ आप देख सकते हो अब हम यहाँ पर करेंगे इसका पूरा टेस्ट कि इसकी ब्रेकिंग, कंट्रोलिंग, स्टेबिलिटी और ये कैसे कट मारती है, ओवरटेक वगैरह, और इसकी टॉप स्पीड कितनी और ये कितना टच कर सकती है। तो गाइज़ मैंने भगाना शुरू कर दिया इसे और आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है, और इसमें थोड़ा सा बॉडी रोल है पर वो बॉडी रोल देखने में काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इतनी भारी बस है तो ऑब्वियसली बात है इसमें बॉडी रोल होता ही है। और भागने की बात करूँ तो गाइज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से भाग रही है, तो आप देख ही सकते हो कितने बढ़िया तरीके से। एंड टॉप स्पीड की बात करें तो गाइज़ बहुत ही बढ़िया, ये 200 से ऊपर आराम से क्रॉस कर गई जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो गाइज़ अगर टर्न की बात करें तो टर्न आ चुका है। अगर टर्न की बात करें तो जब आप इसमें टर्न लोगे तो आप इसको एक्सेलेटर छोड़कर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टर्न देना, जैसे ये लंबा टर्न है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आपको एकदम से टर्न लेना है तो आपको एक्सेलेटर छोड़ के सिर्फ स्टीयरिंग के थ्रू धीरे धीरे एक्सेलेटर दे के मोड़ना होगा, वरना ये भाग जाएगी इधर उधर। तो वो हर मॉड में होता है बस आईडी के, आपको पता ही होगा। बट अगर यहाँ की टर्न की बात करूँ तो इसने बहुत ही प्यारे तरीके से टर्न लिया जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो गाइज़ आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है इसका हाईवे पे। सो गाइज़ इस मॉड को डाउनलोड करने के लिए आपको पड़ेगी पासवर्ड की ज़रूरत, और इस लिवरी को भी डाउनलोड करने के लिए पड़ेगी आपको पासवर्ड की ज़रूरत। जब आप इस मॉड को डाउनलोड करोगे तो सिंपल आपको बस मिलेगी और आपको लिवरी अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस दोनों को डाउनलोड करने के लिए आपको चाहिए पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए आपको देखना पड़ेगा राजस्थानी बस आईडी का वीडियो, तो उनके वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ से देख लेना और वहाँ से पासवर्ड को कॉपी करके, तो जैसे ही आप, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, और वहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद मॉड डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद आपको इससे फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पोर्ट करना अपने बस आईडी में और मज़े करना। तो और लिवरी को भी आपको वैसे ही सेम डाउनलोड करना पड़ेगा, पासवर्ड मैं बता नहीं सकता टर्म्स एंड कंडीशन के कारण। तो गाइज़ अगर ओवरऑल मॉड की बात करें तो मॉड काफ़ी बढ़िया है, और आप इसका इंटीरियर ड्राइविंग व्यू देख सकते हो काफ़ी बढ़िया आ रहा है, चलाने में गाइज़ काफ़ी मज़ा आया मुझे इस मॉड को, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइज़ अगर ओवरऑल मॉड की बात करें, मॉड बहुत बढ़िया है, इसकी ब्रेकिंग भी बहुत सही है, इसकी कंट्रोलिंग भी बहुत सही है, इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी सही है। एंड बस एक चीज़ की दिक्कत है कि हाई स्पीड में आप जब टर्न लोगे तो थोड़ा सा ये बाहर भाग जाती है, बट वो हर मॉड में होता है बस आईडी में, तो आपको पता ही होगा। तो उसके अलावा मॉड में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल की दिक्कत है। तो गाइज ओवरऑल मॉड बहुत ही बढ़िया है, सच में मज़ा आ जाएगा आपको खेलने के लिए। एंड गाइज अगर आपकी कोई क्वेरी या फिर आपको कोई बस आईडी का मॉड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर मुझे डीएम भी कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो और अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। तो गाइज ओवरऑल इस मॉड में इतना ही, होप करता हूँ कि आपको ये इस मॉड की वीडियो पसंद आई होगी राजस्थान ट्रांसपोर्ट की। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन याद से प्रेस कर देना ताकि कोई भी मॉड मिस ना करो। तो गाइज ओवरऑल इस मॉड में इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले मॉड एंड अगली वीडियो में।